Hello guys, this is Samir Wadkar and in this video I'll be talking about when your semester exam results will come out. Guys, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने अभी सेमेस्टर वन सेमेस्टर टू के इंजीनियरिंग एग्जाम्स अभी रिसेंटली दिए हैं and you guys are eagerly waiting for your semester results. Okay, तो guys इस वीडियो में बताऊंगा कि यूनिवर्सिटीज आपके जो सेमेस्टर एग्जाम के रिजल्ट है कब रिलीज करती है, कब डिक्लेयर करती है एंड गाइज जो आइडियल रेंज होता है कितने दिनों बाद आपका रिजल्ट आता है ये भी बताऊंगा. इसके साथ ही आप अगर ऑटोनोमस कॉलेज में हो तो भी आपका रिजल्ट कब आएगा ये भी मैं बताऊंगा. भले आप मुंबई यूनिवर्सिटी हो, पुणे और अदर यूनिवर्सिटीज से हो तो भी गाइज आप ये आइडियल रेंज पकड़ के चल सकते हो जो कि मैं आगे जाके बताऊंगा. और आपके लिए गिफ्ट है सेमिस्टर वन का रिजल्ट का एग्जाम्पल PDF में आपको मेरे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. आप जाइए डाउनलोड कीजिए और आप देखिए सेमिस्टर वन के रिजल्ट कैसे दिखते हैं. तो गाइज वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं. गाइज अभी आप कोई भी यूनिवर्सिटीज़ हो, मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटीज़ हो, तो गाइज जो आइडियल रेंज होती है दैट इज़ 45 days. मतलब जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म होगा उसके 45 दिनों बाद आपका रिजल्ट आना चाहिए, ये मतलब होना चाहिए. बट गाइज ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता, आपको पता ही होना चाहिए. बिकॉज हो सकता है आपका रिजल्ट डिले भी हो जाए 45 days के गाइज, बिकॉज ये केसेस बहुत बार हो भी चुके हैं. बिकॉज ऐसे बैचेस भी थे जिनका रिजल्ट सेमेस्टर वन का रिजल्ट 4 months बाद आया था. मेरे टाइम पे मेरी जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम ख़त्म हुई थी वो हुई थी दिसंबर एंड के 2018 में और उसके बाद लगभग 3 महीने बाद मेरा सेमेस्टर वन का रिजल्ट आया था इस जो कि मार्च 16 2019 का आया था. इसका डेट मैं अपने PDF में आप देख सकते हो कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, पूरा डेट आपको PDF में मिल जाएगा. तो गाइज इसके दिनों का गैप कितना था, 90 days का और नॉर्मल रेंज क्या है 45 days. अभी मैं अपना सेमेस्टर टू का आपको बताता हूँ. सेमेस्टर टू की एग्ज़ाम मेरी ख़त्म हुई थी 7 जून 2019 को और उसका जो रिजल्ट आया है वो आया था 17 जुलाई को. ठीक है, तो गाइज इसके इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितने दिनों का गैप है, ओनली 40 days, मतलब 45 days के पहले आया. तो गाइज ये डिपेंड करता है आपके यूनिवर्सिटी के ऊपर बिकॉज गाइज यूनिवर्सिटी बड़ी होती है, यूनिवर्सिटीज़ के हाथों में बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं तो गाइज सब कॉलेजेस को मिला के आपका रिजल्ट्स अनाउंस किया जाता है. तो गाइज टाइम लगता है, कई बार डिले हो जाता है, कई बार जल्दी भी आ जाता है. बट गाइज नॉर्मल रेंज आप पकड़ के चल सकते हो दैट इज़ 45 days. बट गाइज इस बार आपने ऑनलाइन एग्जाम्स दिए हैं तो गाइज आई एम गेसिंग आपके रिजल्ट्स जल्दी आने चाहिए. और एक गाइज चीज़ मैं बताना चाहूँगा, गाइज सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जो रिजल्ट है वो आपके थोड़े फास्ट आएंगे. क्यों आएंगे फास्ट? बिकॉज सेकेंड और थर्ड ईयर कॉलेज हैंडल करता है, लाइक फर्स्ट ईयर एंड फोर्थ ईयर यूनिवर्सिटीज रिजल्ट बनाती है, पेपर चेक भी यूनिवर्सिटी करती है. बट इन सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर पेपर्स कॉलेज में ही चेक होते हैं आपके एंड आपके प्रोफेसर चेक करते हैं. तो गाइज जो रिजल्ट आता है वो थोड़ा फास्ट आता है. तो गाइज अगर आप ऑटोनोमस कॉलेज से हो तो गाइज आपका जो रिजल्ट है वो थोड़ा जल्दी आता है एज कम्पेयर टू यूनिवर्सिटीज़ के जो रिजल्ट आते हैं. ऑटोनोमस कॉलेज के जल्दी क्यों आते हैं? बिकॉज गाइज आपके कॉलेज के प्रोफेसर कितने स्टूडेंट होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, 400-300 स्टूडेंट होंगे, तो गाइज उनका रिजल्ट बनाना जल्दी हो जाता है. तो गाइज 15 से लेकर 20 days के अंदर आपके रिजल्ट्स अनाउंस किए जाते हैं, मतलब 15 से 20 दिनों के अंदर आपके रिजल्ट्स अनाउंस किए जाते हैं. तो गाइज दैट वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो. आप सेमेस्टर वन का रिजल्ट PDF डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना और क्या क्या वीडियो चाहिए प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. तो गाइज लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर करना एंड दैट्स इट. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब करना. तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए समीर शो.